अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने लगे हैं पालक गोश्त। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए। 1.5 पाउंड मैंने लैम का गोश्त लिया है, हड्डी के साथ है। 2 बंच लिए है मैंने स्पिनच, पालक और मीडियम साइज की मैंने लिए है प्याज, 2 मीडियम साइज के टोमेटो लिए है, कस्तूरी मेथी लिया है मैंने 1 टीस्पून, गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, हसबे का नमक है, कोरियंडर पाउडर 1 टीस्पून है, जीरा सफेद मैंने लिए है साबित 1 टीस्पून है, रेड चिली पाउडर लिए है 2 टेबल स्पून, हल्दी लिए है 1 टीस्पून। ये देखिए, मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनानी है ना, तो इसके अंदर मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। तो मैंने प्याज का से चॉप कर दिया, तो ये डाल देंगे थोड़ा सा इसका, हल्का सा इसको हमने भूनना है ताकि प्याज की जो स्मेल ये खत्म हो जाए। तो फिर बाद में इसके अंदर हमने गोश्त डाल देना है, सारे मसाले बना देंगे। ये देखिए, हमारे जो प्याज है ना, इस तरह होगी, ज्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको। तो हमने अभी गोश्त डाल देना है, गोश्त और हमने जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छे से हमने भूनना है गोश्त को, अच्छे से इसको हमने 15 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, हमारे अच्छे से ये भून चुकी है। तो अभी सारे मैंने ये मसाले डाल देना है। कस्तूरी मेथी जो है ना, ये हम बाद में डाल देंगे, जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा हमारा सालन, बाद में डाल देंगे इसके अंदर। तो अब इसका हमने ये टोमेटो जो मैंने 2 चॉप कर दिए, इसको ये भी डाल देना है। तो इसको भी अच्छे से हमने भूनना है, जब तक हमारे ये टोमेटो ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो इसको अभी फिर 5-6 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारे मसाले भून रही हैं। तो अब इसके अंदर हमने अभी पालक डाल देना है। पालक और गोश्त के साथ में हम पकाएंगे, तो ये जल्दी भी कुक हो जाएगा और अच्छे से। इसके अंदर हमने कोई और पानी नहीं डालना। तो मैंने पालक को चॉप करके रख दी है, साफ करके ये डाल देना है। तो पालक भी अपना पानी छोड़ देना है, तो इसके अंदर हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, जस्ट 1/4 कप पानी डाल देंगे। देखिए इस तरह। तो अब इसको हमने मिक्स करके इसके साथ, अब इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। ये देखिए, मैं अब इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल देना है। तो इसका हम अभी ढक लेंगे, फिर बाद में इसके अपने हिसाब से आप इसके नमक और मिर्ची सारे चेक करके देख लें। तो अब इसका हमने प्रेशर देनी है ताकि हमारा जो गोश्त और सारे अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारी जो गोश्त और पालक है कुक हो चुकी है। बाद देखो, पालक ने बहुत अपनी पानी छोड़ दिया। तो अब इसका हमने तेज आंच करके, चूल्हा तेज करके, तो इसको हमने अच्छे से भूनना है। ये देखिए, फिर इसी के अंदर हमने अभी डालना है ये कसूरी मेथी जो है मैंने लिया था, ये डाल के इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स करके, तो इसको हमने अच्छे से भूनना है जब तक इसकी पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, अच्छे से पानी खुश्क हो गया है स्पिनच का। तो ये अब इसके अंदर मैंने डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला, इसको अच्छे से मिक्स करके, तो बिल्कुल देखो पानी खुश्क हो गया है, देखो सारा। तो इसको हम अभी सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारी पालक गोश्त रेडी हो चुका है। इस तरह होगी इसकी शक्कर। अगर आपको पसंद है तो आप जरूर ट्राई करें, अपने घर में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा, थम्स अप दे दीजिए। अल्लाह हाफिज।